आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए कब शुरू हो रहा है, मलेशिया, ओमान, बहरीन के लिए कब शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टिकट कहां से बुकिंग किया जाता है और कैसे बुकिंग करना है। ये पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और सऊदी अरब खास करके आने वाले भाई लोग को मैं बता दूँ, इसका टिकट बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सऊदी अरब आने के लिए टिकट बुकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मैं एयर इंडिया और सऊदी एयरलाइन का दिखा देता हूँ कि टिकट बुकिंग कब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप ट्विटर पे जब मैं गया और चेक किया, जब ट्विटर पे जा करके, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्विटर पे जब किया और यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया है, पूछा है एयर इंडिया को कि सर विच डेट ऑपरेट फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरब, कौन सा डेट में इंडिया टू सऊदी जा सकते हैं। तो एयर इंडिया ने जो है एक लिंक जारी किया है, जो कि इस पर बोला है अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप उस पर जा कर के देख सकते हैं कि कौन सा डेट से टिकट बुकिंग हो रही है या कब तक आप सऊदी अरब जा सकते हैं। तो दोस्तों, उस लिंक पे जब मैं क्लिक किया, जब मैं जानना चाहा कि उस लिंक पे क्या है और क्या प्रोसेसिंग है, तो आप देख सकते हैं इस लिंक पे जब आप इसे क्लिक करोगे, जब आप भी पूछोगे तो इस तरह का लिंक दिया जाता है। तो जब लिंक दिया दोस्तों, तो मैं जो है चेक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मलेशिया अगर आपको जाना है तो उसका गाइडलाइन बताया है, और बहरीन जाना है तो उसका मतलब कैसे जाना है, वहाँ पे क्या क्या आपको प्रोसेसिंग करना होगा, मलेशिया, बहरीन, ओमान, जहाँ भी जाना है उसका बताया गया। लेकिन दोस्तों, इस पर आपको सऊदी अरब का मुझे नहीं दिख रहा था। अगर आपको दिख रहा है तो आप देख लीजिए, उसका गाइडलाइन नहीं इसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसको लिंक दिया गया है एयर इंडिया के तरफ से। और दोस्तों, बता दूं, टिकट बुकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सऊदी एयरलाइन टिकट बुकिंग ले रहा है या एयर इंडिया का टिकट बुकिंग हो रहा है। 15 तारीख से बहुत लोग बोल रहे थे कि चालू हो रहा है, तो पहले मैं आपको बता दूं सऊदी एयरलाइन का। तो सऊदी एयरलाइन का दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सऊदी एयरलाइन का वेबसाइट है, इस पर मैं दिल्ली से रियाद डाल के, दिल्ली से रियाद जब डालता हूँ और यहाँ पे मैं डेट चूज़ कर लेता हूँ, 24 तारीख को देख लेता हूँ टिकट बुकिंग हो रहा है कि नहीं। तो 24 तारीख को जैसे हम दोस्तों टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं नहीं हो रहा है टिकट बुकिंग। देखिए, सऊदी एयरलाइन भी टिकट बुकिंग नहीं ले रहा है। अब मैं बता देता हूँ, एयर इंडिया से टिकट बुकिंग ले रहा है, एयर इंडिया से अगर आप आना चाहते हैं तो एयर इंडिया टिकट बुकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों, एयर इंडिया का भी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए एयर इंडिया का बुकिंग मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं एयर इंडिया बुकिंग टिकट। उसके बाद जो है दिल्ली से, इसका भी हम रियाद कर देते हैं, दिल्ली से रियाद वन वे कर देते हैं, सिर्फ जाने के लिए, रिटर्न नहीं चाहिए, सिर्फ जाने के लिए। तो दोस्तों, दिल्ली से जब हम रियाद करते हैं तो यहाँ पे भी वही आ रहा है लिखा हुआ, कुछ नहीं आ रहा, टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है। तो आपने दोस्तों देख लिया कि एयर इंडिया नहीं टिकट बुकिंग नहीं, सऊदी एयरलाइन का टिकट बुकिंग हो रहा है। और सऊदी सिर्फ रियाद आने के लिए मैं बता रहा हूँ, सऊदी अरब आने के लिए, इंडिया से अगर आप दिल्ली का ही बुकिंग करो, तो दोस्तों कुछ टेक्निकल कारण के वजह से बुकिंग नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ टिकट बुकिंग का। लेकिन आप लोगों ने तो सुना होगा कि 15 तारीख 16 तारीख से आप सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको देख लिए कि अभी टिकट फ़िलहाल बुकिंग नहीं हो रहा है। देखिए कि जैसे ही बुकिंग होगा तो मैं आप लोगों को खबर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो लाइक करके चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो नॉट टॉपिक के साथ।